जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्यारे मित्रों, प्यारे भक्तों, आज मैं आपको वृंदावन लेके चलता हूँ। वृंदावन की महिमा बहुत ही अधिक शास्त्र में गाई गई। धन वृंदावन नाम है, धन वृंदावन धाम, धन वृंदावन रसिक जन सुमरे श्यामा श्याम, वृंदावन सावन नहीं और नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। हम लोग वृंदावन में दर्शन करने जाते हैं और ठाकुर जी का, बिहारी जी का, राधा रमन जी का बड़े भाव से दर्शन करते हैं। उस दिव्य धाम पर, उस दिव्य भूमि पर जा करके राधा में हो जाते हैं, कृष्ण में हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। आप भी जब सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वृंदावन में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है लाला बाबू का मंदिर। कलकत्ते के एक सेठ थे, उनके मन में वैराग्य आया, उन्होंने वैराग्य को धारण किया, घर परिवार, पुत्र पौत्र, पत्नी संबंधी, रिश्तेदार सब का त्याग करके वृंदावन में आ गए। बहुत धनाढ्य थे। बात थोड़ी पुरानी है, उस समय अंग्रेजों ने उनको सरकार बाबू की उपाधि दी हुई थी, लाला सरकार की उपाधि दी हुई थी उनको। तो आप विचार करिए कि वो कितने धनाढ्य होंगे। वो वृंदावन में आए, बिहारी जी की छवि का दर्शन किया तो बस बिहारी जी के ही होकर रह गए। उनकी छवि को निहारते रहे, देखते रहे और उनके चित्त को ठाकुर जी ने अपनी ओर खींच लिया। वो वापस अपने घर गए ही नहीं। जब वो वापस अपने घर नहीं गए, पीछे परिवारी जन, बंधु जन बड़े परेशान हो गए कि लाला बाबू कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। वृंदावन में आए, उनको घर जाने के लिए बहुत कहा लेकिन लाला बाबू ने जाने से मना कर दिया। पुत्रों ने धन दिया बहुत सा कि पिताजी ठीक है, यदि आप यहीं पर रहना चाहते हैं तो आप ये धन लें, कोई अपने लिए कोई यहाँ पर बढ़िया सी कोठी, कोई बढ़िया सा मकान बना करके यहाँ पर आराम से रहें, हम आपकी सेवा यहीं पर करते रहेंगे। लाला बाबू ने वहाँ पर उस धन से वृंदावन में बहुत से मंदिर बनवाए। उन्हीं में लाला बाबू ने एक मंदिर बनवाया, ठाकुर जी को विराजमान किया, बड़ी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई और उसी मंदिर में रह करके लाला बाबू जी भगवान का भजन करने लगे। माघ का महीना था, यही दिन मंदिर में बैठ करके ठाकुर जी की प्रतिमा को निहार रहे थे, गोस्वामी जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। वहीं पर एक माखन की बाटी रखी थी, माखन की टिकिया को देख करके लाला बाबू कहने लगे कि गोस्वामी जी आप इस माखन की टिकिया को ठाकुर जी के चांद पर रख दो, सिर पर। गोस्वामी जी कहते हैं लाला बाबू ये तो माखन है, ठाकुर जी को भोग लगेगा इसका, आप इसको चांद पर रखने के लिए क्यों कह रहे हो। लाला बाबू कहते हैं कि हे गोस्वामी जी, मैं देखना चाहता हूँ कि इस प्रतिमा को कितनी विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, इसके अंदर क्या इस प्रतिमा में प्राण बसते हैं। अगर इनमें प्राण बसते होंगे तो इनके शरीर की गर्मी से सिर के ऊपर रखा हुआ माखन जो है धीरे धीरे पिघल करके नीचे की ओर बहेगा। गोस्वामी जी ने, पुजारी जी ने वो माखन लिया और ठाकुर जी के सिर के ऊपर रख दिया। कुछ देर बीते, अब धीरे धीरे वो माखन जो है पिघला और पिघलने के बाद बहते बहते ठाकुर जी की गालों तक आ गया। लाला बाबू ने देखा, अरे ये तो स्वयं जागृत ठाकुर जी हैं। चरणों में गिर गया, रोने लगा, बोले प्रभु मैंने परीक्षा लेने की सोची आपकी। सामने बैठ करके मंत्र जाप करने लगा लेकिन मन में संशय कई बार आ जाते हैं। उस भक्त के मन में फिर से संशय पैदा हो गया, कहता है कि गोस्वामी जी ये जो रुई है ये ठाकुर जी की नासका में लगाओ,
पुजारी जी कहने लगे, लाला बाबू क्यों? बोली, यदि प्रतिमा सांस लेती है तो उनके श्वास से ये रुई जो है हिलेगी और नीचे की ओर गिर जाएगी। ना चाहते हुए भी पुजारी जी ने वो रुई ली और वहां ठाकुर जी की नासिका पे लगा दी। कुछ देर बीते, वो रुई हिली और नीचे गिर गई। लाला बाबू दंडवत हो गए, दंडवत लेट गए ठाकुर जी के चरणों में। बोले, प्रभु मेरे को माफ कर दो, मेरे मन में संशय पैदा हो गया आज, न जाने वो संशय कहाँ से पैदा हो गया। प्रभु मेरे को क्षमा कर दो, मैंने तो इस प्रतिमा की परीक्षा लेनी चाहिए। कहते हैं तब ठाकुर जी की आवाज सुनाई दी लाला बाबू को, अरे लाला तू क्या समझता है कि जिस प्रतिमा में तूने प्राण प्रतिष्ठित पूजा करवाई है क्या उसमें मेरे प्राण नहीं है? अरे केवल तेरे द्वारा स्थापित प्रतिमा में ही नहीं, वृंदावन में जितने भी मेरी प्रतिमाएं हैं, जितने भी मेरे ठाकुर विराजमान हैं मंदिर में, उन सब में मेरे श्वास हैं, उन सब में मेरे प्राण बसते हैं। लाला बाबू को कहते हैं ठाकुर जी, लाला बाबू अब तू इस स्थान को छोड़ दे। बोला, प्रभु आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। ठाकुर जी कहते हैं कि लाला, वृंदावन में मेरे जितने भी स्वरूप हैं उन सब का जाकर के दर्शन करो, और दर्शन करने के बाद गिरी गोवर्धन की तलहटी पर जाकर के नाम जप करो, तुमको राधा जी का दर्शन होगा। अब लाला बाबू ठाकुर जी की आज्ञा से सारे वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं लाला बाबू ने सबका दर्शन किया, और अंत में दर्शन करने के बाद गिरिराज की तलहटी में गए, छोटी सी कुटिया बनाई और कुटिया बना करके उसमें वो नाम जप करने लगे, और उन्हीं लाला बाबू को श्री राधा रानी जी का दर्शन हुआ है गिरिराज में। वृंदावन में आज भी वो मंदिर है, लाला बाबू जी के नाम से वो मंदिर मशहूर है, प्रसिद्ध है। प्यारे भक्तों, आप कभी भी जाएं तो लाला बाबू का मंदिर, आप किसी ऑटो वाले को भी कहेंगे वो आपको सीधा वहीं लेकर के जाएगा। वो मंदिर जो है लाला बाबू के मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। भक्तों की ऐसी महिमा होती है। गीता जी में कृष्ण कहते हैं कि अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के वश में रहता हूं, मेरा भक्त चाहे मेरे को कहीं भी लेकर के चला जाए। और गीता जी में कही हुई ये बात भगवान श्रीधाम वृंदावन में साबित कर देते हैं, सत्य साबित करते हैं कि मैं भक्तों के वश में रहता हूं। अहम भक्त पराधीना अर्जुन। प्यारे भक्तों, कभी जाएं तो दर्शन करें। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको वृंदावन की उन सत्य घटनाओं से अवगत कराऊं जिनको मैं भागवत कथाओं में बताया करता हूं, सुनाया करता हूं। सुनाने का मकसद केवल एक है कि सुनने वाले के हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम पैदा हो, क्योंकि प्रेम ही कृष्ण से मिला सकता है और कोई नहीं मिला सकता। आपके हृदय में जब प्रेम पैदा होगा तो कृष्ण आपके पास दौड़े चले आएंगे। राधा और कृष्ण का नाम की ज्योति जलाते हुए आप उनसे प्रेम करें। जब मैं श्रीमद् भागवत की कथाएं दूर दूर करने जाता हूं, भारत में भी और विदेशों में भी, कनाडा, टोरंटो, आविस्फोर्ड में भी मैं गया, तो मैंने इन सत्य घटनाओं से उन भक्तों को अवगत कराया। वो भूमि आज भी श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्हों से भरी हुई है। कदम कदम पर भक्ति का एहसास है, भक्ति महारानी का वहां पर वास है। प्यारे भक्तों, जीवन का एक ही आधार कि किसी तरह से भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाए। यदि हमारा एक बार कृष्ण से प्रेम हो गया तो कृष्ण हमको अवश्य स्वीकार करेंगे। आपको ये छोटी सी घटना, लाला बाबू से जुड़ी हुई और भी कथाएं कहानियां हैं, कथाएं हैं, लेकिन मैंने एक सूक्ष्म रूप में केवल कुछ ही मिनटों में आपको ये सत्य घटना बताने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को भी ये शेयर करें इन कथा को, ताकि वो भी सुने, उनके हृदय में प्रेम जागृत हो, प्रेम भाव पैदा हो प्रभु के प्रति, श्रीधाम वृंदावन के प्रति उनके मन में प्रेम पैदा हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं पंडित अनिल कोदंड, श्याम सका।